গরুপাচার মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে কেষ্টকন্যা সুকন্যা মণ্ডলকে। আজ তাকে ইডি রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে তুলবে। সরাসরি দিল্লি থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি নীরজ ঠাকুর এবং বীরভূম থেকে রয়েছেন প্রতিনিধি মনা বীরবংশী। আমি নীরজের কাছে সবার প্রথমে যাব। নীরজ, আজ রাউস অ্যাভিনিউ আদালত মে পেশ কিয়া যা সকতা হে সুকন্যা কো, কিতনে বাজে ক্যা খবর আ রহি হে ওয়াহাঁ সে? देखिए, कुछ देर में यहाँ से सुचंद्रिमा निकालेंगे और मेडिकल के लिए ले जाएंगे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहले, जो कि एक ज़रूरी प्रोसेस है। कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद डॉक्टर के का सर्टिफिकेट लेने के बाद उनको सीधे जो है सुकन्या को कोर्ट ले जाया जाएगा। तो करीब करीब 12-1 बजे और 2 बजे के बीच में कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। रिमांड मांगेगी ईडी, क्योंकि अपने जो जो इन्होंने अरेस्ट मेमो है उसमें साफ लिखा है कि वो अंश में सहयोग नहीं कर रही है और जो पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं दे रही है। जो बहुत सी चीज़ें उनके खिलाफ मिली है, सुकन्या के खिलाफ मिली है, जो प्रॉपर्टीज़ की डिटेल हैं, जो बैंक अकाउंट की डिटेल हैं और जो बाकी लोग जो पूछताछ के लिए बुलाए गए थे उनसे पूछताछ में जो चीज़ें मिली हैं उनका सही से जवाब नहीं दिया, जिसके चलते जो है वो उन्होंने अरेस्ट मेमो में लिखा है कि कस्टोडियल इंटरोगेशन की ज़रूरत है। जाहिर है गिरफ्तारी के बाद इंटरोगेट करने का जो प्लानिंग है ईडी की, उसी के आधार पर जो रिमांड है वो मांगा जाएगा। ईडी रिमांड लेने की कोशिश करेगी और कितने दिन का रिमांड मिलता है, कितने दिन का ईडी रिमांड मांगती है, ये देखने वाली बात होगी। सुचंद्रिमा, नीरज, क्या उनको भी तिहार पे ही ले जा सकता है? जी, फिलहाल तो क्योंकि जब तक ईडी रिमांड लेती है 14 दिन का वक्त होता है गिरफ्तारी के बाद, तो 14 दिन का ही मैक्सिमम रिमांड भी मिलता है। उस 14 दिन में कितने दिन ईडी अपने पास रखती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उसके बाद जाहिर है तिहाड़ तो जाना ही पड़ेगा फिलहाल। लेकिन ईडी जब तक अपने पास रखना चाहेगी, रिमांड मांगेगी, वो कोर्ट कितने दिन का रिमांड देता है। शुक्रिया आपको फिलहाल के लिए।